अपना कार्य करता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, लड़ाई लड़ता रहेगा कि दिखती है। और संगठन वचनबद्ध है कि ओबीसी का 27% आरक्षण को बचाने के लिए संगठन जय कार्य करता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। क्यों आवश्यकता पड़ गई इसकी, क्यों आवश्यकता समझे आपने इसकी? अब आवश्यकता है कि जब ओबीसी कोशिश की जा रही है इसको लेकर पूरा पीपीएल वालों को एक मंच पर लाने के लिए संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी, जो बनाया जा रहा है। इसीलिए संगठन मोहन पर जब बताइए आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया आपने, क्यों गया, क्या आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है उसमें अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों द्वारा प्रेस वार्ता कराई गई है, क्योंकि हमारा एक संगठन चल रहा था प्रजावती पाल अति पिछड़ा वर्ग समिति, जिसके नाम में संशोधन कर अब संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर चलाने के लिए जिसका दिल्ली से पंजीकृत कराया जा रहा है, जिसमें 7 राज्यों का कार्यकर्ता बनाकर ताकि संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा सके। और दो ही पहले हमारे संगठन में दो ही समाज के नाम मुख्य रूप से थे, जिसको लेकर अति पिछड़ा वर्ग समाज की जब प्रतिक्रियाएँ मिल रही थी, प्रतिक्रिया ये मिल रही थी कि संगठन में दो ही समाज के मुख्य रूप से कारण होने की वजह से प्रतिक्रियाएँ मिल रही थी। वे सब लोग चाहते थे कि संगठन को सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग के नाम से ही संगठन का गठन किया जाए, इसीलिए हमने संगठन के नए नाम की औपचारिक घोषणा इस पत्रकार वार्ता में की गई है, जिसमें संगठन का नाम भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा रखा गया है। और संगठन का उद्देश्य है कि संगठन अति पिछड़ा वर्ग के लिए हित व हक के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। वे संगठन अति पिछड़ा वर्ग के नवयुवकों को शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जागरूक करने का काम करेगा। वे संगठन अति पिछड़ों की लड़ाई मजबूती से लड़ता जोर दिया।